हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2019 के लिए सामान्य अध्ययन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, मैंने इसमें 35 प्लस यानी कि 38 क्वेश्चन शामिल किए हैं, जैसे हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने यूपी जी के, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आप अपना इसे रियल एग्ज़ाम समझ कर प्रैक्टिस करें, तो इससे आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, आप ये ना समझें कि ये मैंने सामान्य अध्ययन यूपी पुलिस के लिए बता रहा हूँ, तो ये किसी भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, तो आप इसे एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम से ना जोड़ें। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इन क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, हो सकता है आपको इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो आपको करना ये है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। इसके लिए मैं आपको 3 सेकंड भी दूंगा। आप क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में सोच सकते हैं या पेन कॉपी लेकर बैठें, उसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। आप वीडियो के एंड में अपने क्वेश्चन का एनालाइज करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आपको पता लग सकेगा कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसे आपसे खुद ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद उसका आंसर मैं बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। तो आपके पास 3 सेकंड है, 3 सेकंड में इसका आंसर आप सोच सकते हैं या अपना पेन कॉपी से नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है श्रीनगर, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं, तो कौन थे? ऋषभ देव, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कौन था? देवराज द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ स्थापित किया था? तो आप इसका आंसर 3 सेकंड में देंगे। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन फार्मूला वन से संबंधित है? तो ऑप्शन सी नारायण कार्तिकेयन। अगला क्वेश्चन है जियोग्राफी से, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? सभी ग्रहों में पृथ्वी संगमतम है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को रखा जाता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है मिट्टी के तेल में। सोडियम धातु कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने पहली बार विश्व कप जीता था, तब भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान कौन थे? तो दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, इसमें उपकप्तान पूछा गया है। कभी कभी हम क्या करते हैं एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पढ़े बिना, मतलब क्वेश्चन को इतनी तेज़ी के साथ पढ़ते हैं कि हम उसका आंसर गलत टिक करके आते हैं। तो इसमें उपकप्तान पूछा है, तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा होगा? महेंद्र अमरनाथ। और दोस्तों, कप्तान की बात करें तो विश्व कप जब भारत ने जीता था पहली बार, तो कप्तान कौन था? कपिल देव। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है, यानी कि भारत प्रथम स्थान पे है? तो आपके पास 3 सेकंड हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अभ्रक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व विख्यात रौला गैरो का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर सही है, लॉन टेनिस से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? हमीरपुर। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, तो इन क्वेश्चन का आप ध्यान रखें और इस क्वेश्चन और इस टॉपिक को अच्छे से करके जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सा अक्षर और प्रतीकों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर से क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी ये तीनों ही ऊपर वाले हमारे अक्षर और प्रतीकों की पहचान के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेल दिवस किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप गलत नहीं देंगे। तो किसकी याद में मनाया जाता है? ध्यानचंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये किस खेल से संबंधित है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो ये किससे संबंधित है? हॉकी से। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो आपके पास 3 सेकेंड है, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट उत्पादन करने वाले जिले हैं? तो दोस्तों यूपी के लिए पूछा गया है ये, तो कौन से हैं? बांदा और चंदौली। तो बांदा और चंदौली इसमें नहीं दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो किस में है? ऑप्शन नंबर बी, यानी गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण किस शासन ने करवाया था? तो किसने करवाया था? अशोक ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सभी को मालूम होगा, ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक प्रबाल द्वीप है? कौन सा है? मालद्वीप। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 19,98,12,341। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? तो आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं, तो कंप्यूटर मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? मॉनिटर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप को बढ़ाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, घटता है, कोई बदलाव नहीं होता, बढ़ना या घटना द्रव्य पर निर्भर करता है? तो आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी घटता है, ताप बढ़ाने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया में धान की कृषि की जाती है, तो कहाँ की जाती है? क्वींसलैंड के पूर्वी तटीय मैदान में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्दा स्फीति के दौरान मुर्दा की क्रय शक्ति बढ़ जाता है, गिरता है, स्थिर रहता है, ऊपर के सभी? तो गिरता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत में परिवर्तित सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान को किस भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो ये हमारा करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय वायुसेना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 में भारत और किस देश को संयुक्त विजेता घोषित किया गया? तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान। तो बारिश के चलते ये मैच नहीं हो पाया, दोनों को एक एक अंक देकर संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया? तो कहाँ पे किया? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने राष्ट्रीय स्तर का उद्यमी जागरूकता अभियान उद्यम अभिलाषा लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? सिडबी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत योजना कहाँ स्थापित है? तो कहाँ पे है इसका आंसर? है किसी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी नरोरा बुलंदशहर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे लंबे रेल रोड पुल बोगीबील का उद्घाटन किया? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का ये हमारा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये असम में उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में काशी विद्यापीठ स्थापित कब हुआ था? कब हुआ था? 1921 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के बाल देखभाल संस्थान का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम किए जाने की घोषणा की है? मनोहर लाल खट्टर किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? हरियाणा के, यहाँ के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के राष्ट्रीय बैंक ने देश में 100 रुपये से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश के राष्ट्रीय बैंक ने लगाया है? नेपाल के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? इस चीज़ का आप ध्यान रखें, तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संविधान के पिता भी यही कहलाते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए थे, और आपको जितना हो सके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है और आप कुछ नया ना पढ़ें। जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों आप ये ना समझें कि ये यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए मैंने बताई है।